मुकाबला है क्या? फ्रेंड्स, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। G20 समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज्ड इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। हमारे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। इस दौरान भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। साथियों, G20 समिट समाप्त हुई तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की स्टेट विजिट दिल्ली में शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। और मैं जो कथा सुना रहा हूं ना, ये 30 दिन की बता रहा हूं, फिर ऐसा नहीं आ रहे तो इतना सारा। बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा, होता है ना। जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं, तो भारत के लिए भी
नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। साथियों, आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड देते हुए मैं सिर्फ स्पेस साइंस और ग्लोबल रिलेशंस की बात करना रहूंगा क्या? यही काम किया कि मैंने 30 दिन में? ऐसा नहीं है। पिछले 30 दिनों में एससी एसटी ओबीसी के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये योजना हमारे शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, पारंपरिक काम से जुड़े साथियों के लिए है। रोजगार मेला लगाकर बीते 30 दिन में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को केंद्र सरकार में गवर्नमेंट जॉब दी गई है। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, 6 लाख से ज्यादा युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन्हीं 30 दिनों में आपने देश के नए संसद भवन में पहले संसद सत्र को भी देखा है। देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विमेन लेड डेवलपमेंट के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया। साथियों, बीते 30 दिनों में ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ। हमारी सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एम्पावर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी है। कुछ दिनों पहले द्वारका में अशोक भूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया है। युवाओं को स्पोर्ट्स में अधिक अवसर मिले, इसके लिए मैंने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। 2 दिन पहले मैंने 9 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई। 1 दिन में एक साथ इतनी आधुनिक ट्रेनें शुरू होना भी हमारी स्पीड और स्केल का प्रमाण है। पेट्रोकल केमिकल सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम इन 3 दिनों में हमने उठाया है। मध्य प्रदेश में स्थित एक रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। मध्य प्रदेश में ही रिन्यूएबल एनर्जी आईटी पार्क, एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम शुरू हुआ है। ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, इनका सीधा संबंध युवाओं की स्किल से है, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन से है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा समय इसी में बीत जाएगा। ये 30 दिन का मेरा हिसाब मैं दे रहा था आपको, अब आपने अपना हिसाब लगाया क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 2 मूवी देखी।
मेरे नौजवान साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, वे मेरे देश के नौजवानों को पता होना चाहिए। साथियों, युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करने में देश आपका साथ नहीं देगा। आप किसी भी अवसर को मामूली ना समझें, बल्कि उस अवसर को एक नया बेंचमार्क बनाने के बारे में सोचें। हमने G20 को भी इसी अप्रोच से इतना भव्य और इतना विराट बनाया। हम भी G20 प्रेसिडेंसी को सिर्फ डिप्लोमेटिक और दिल्ली सेंट्रिक अफेयर बना सकते थे, लेकिन भारत ने इसे पीपल ड्रीवन नेशनल मूवमेंट बना दिया। भारत की डायवर्सिटी, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी की ताकत ने G20 को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई, 60 शहरों में इनका आयोजन हुआ। G20 की गतिविधियों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अपना योगदान दिया। Tier 2 और Tier 3 शहरों ने भी, जहां पहले किसी इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन नहीं हुआ था, उन्होंने भी शानदार ताकत दिखा दी। और मैं आज इस कार्यक्रम में G20 के लिए अपने यूथ की विशेष तौर पर सराहना करूंगा। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 1 लाख विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए G20 में भागीदारी की। सरकार ने G20 को स्कूल्स, हायर एजुकेशन और अनेक इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। हमारे लोगों ने बड़ा सोचा, लेकिन जो डिलीवर किया वो उससे भी ज्यादा भव्य रहा। साथियों, आज भारत अपने अमृत काल में है। ये अमृत काल आप जैसी अमृत पीढ़ी का ही काल है। 2047 में हम देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 2047 तक का कालखंड वही समय है जिसमें आप युवा भी अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। यानी अगले 25 साल जितने आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, उतने ही देश के जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए एक ऐसा समय है जिसमें देश के विकास के कई फैक्टर्स
एक साथ जुड़ गए हैं। इस तरह का समय न इतिहास में पहले कभी आया, न भविष्य में आने का अवसर मिलेगा। यानी न भूतो न भविष्यति। आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, पता है ना? नहीं मालूम? मालूम है? रिकॉर्ड कम समय में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है। भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा निर्यात एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यही भारत का न्यू मिडिल क्लास बन गया है। देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। इस साल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इस तरह का निवेश साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और कितने नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, आप जैसे युवाओं के लिए ये अवसरों का दौर है। साल 2020 के बाद करीब 5 करोड़ साथी ईपीएफओ पेरोल से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। पहली फॉर्मल जॉब उन्हें मिली है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब के मौके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में 100 से भी कम स्टार्टअप थे। कितने कितने? मैं इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना। कितने स्टार्टअप 2014 के पहले? कितने? आज इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। स्टार्टअप की इस लहर ने कितने ही लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर से आज एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसके कारण भी बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर बने हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बीते कुछ वर्षों में बड़ा विकास हुआ है। 2014 की तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 23 गुना बढ़ा है।
जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो डिफेंस इकोसिस्टम की पूरी सप्लाई चेन में भी बड़ी संख्या में नई नौकरियों के अवसर बनते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे कई युवा साथी जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। सरकार की मुद्रा योजना के जरिए देश के छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद मिलती है। आज 8 करोड़ लोगों ने, 8 करोड़, आप कल्पना कीजिए, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 8 करोड़ लोगों ने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जिनके परिवार में कभी एंटरप्रेन्योर के नाते कोई नहीं था, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई कारोबार शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पिछले 9 वर्षों में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। इनमें से हर एक में 2 से 5 लोगों को नौकरी मिली है। साथियों, ये सब भारत में आई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी क्लैरिटी और हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के ईमानदार प्रयास हुए हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वो होंगे जो 2014 में, आज से 10 साल पहले, उनकी उम्र क्या होगी, 10, 12, 14, तो उस समय उनको पता ही नहीं होगा कि हेडलाइन अखबार में क्या आती थी, कैसे भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद करके रखा था। साथियों, आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम हमने बनाए हैं, कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए, ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्टेबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने निश्चय कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, एक और बात भी हमें ध्यान रखनी होगी, सिर्फ भारत ही आपसे बेहतर करने की अपेक्षा नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया आपको उम्मीद की नजर से देख रही है। दुनिया को भारत का और भारत के युवाओं का पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों का पता चल चुका है। अब उनको समझाना नहीं पड़ता, इंडिया का बेटा है तो क्या होगा, इंडिया की बेटी है तो क्या होगा, वो समझ जाता है भाई, ये तो मान लो। दुनिया की प्रगति के लिए, भारत की प्रगति
और भारत के युवाओं की प्रगति बहुत आवश्यक है। मैं निश्चिंत होकर देश को असंभव लगने वाली गारंटियां दे पाता हूं, तो उसकी वजह से आप देशवासियों का उसके पीछे जो ताकत है ना, वो आप मेरे साथियों का सामर्थ्य है। मैं उन गारंटियों को पूरा कर पाता हूं तो उसके पीछे भी आप जैसे युवाओं का सामर्थ्य होता है। मैं दुनिया के मंचों पर जोरदार तरीके से भारत की बात रख पाता हूं तो उसकी प्रेरणा भी मेरी युवा शक्ति है। इसलिए भारत का युवा मेरी असली ताकत है, मेरा पूरा सामर्थ्य उसी में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं। बुरा नहीं लगेगा ना? आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री है, हम नौजवानों से मांग रहा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है, जो है वो देश का है, देश के लिए है। और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, देश के लिए मांग रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन स्वच्छाग्रह एक दो दिन का इवेंट नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसे हमें आदत बनाना पड़ रहा है। और इसलिए 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती से ठीक पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा